फ्रेंड्स, सो इस वीडियो हम देखेंगे स्केल टू एंड स्केल थ्री की सैलरी में कितना रिवीजन हुआ है, बेसिक पे कितना चेंज हुआ है। और स्केल टू की सैलरी अब 1 लाख के क्रॉस निकल हुई है, जो कि LIC AO की सैलरी के इक्वल है। LIC AO की सैलरी 1 लाख के इक्वल होती है पिछले सेटलमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देखो, जो स्केल टू का बेसिक होता था वो 48,170 रुपये स्टार्टिंग होता था, जो कि न्यू बेसिक हो गया है 64,820 रुपीज़। उस पर DA मिलता है 15.73%, जो कि फरवरी 2024 से है। एंड स्पेशल अलाउंस जो बढ़ा के किया गया है 26.50%। एंड अगर आप टोटल HRA मिला के आप कैलकुलेट करोगे तो सैलरी बनेगी 8% HRA के हिसाब से 1,03,613 रुपीज़। और वही अगर हाईजेस्ट देखोगे CCA एंड 10% HRA के हिसाब से तो 1,06,009 रुपीज़ बनती है। एंड आप अगर लास्ट स्टेज में हो स्केल टू में और आप अपने ये सारे बेसिक है, इस बेसिक के हिसाब से आप अपनी सैलरी दे सकते हो स्केल टू में। लास्ट की बात करें तो लास्ट जो बेसिक होता था स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट, जो सातवां लगने लग गया, छठवां सातवां, पहले 5 ही स्टैग्नेशन शायद होते थे। तो उसके बाद में 80,910 रुपीज़ जो लास्ट होगी। एंड टोटल ग्रॉस बनेगी 1,82,858 रुपीज़। एंड वही स्केल थ्री की बात करें तो स्केल थ्री की जो ग्रॉस ओल्ड बेसिक होती थी वो 63,840 रुपीज़ होती थी, जो कि रिवाइज न्यू बेसिक हो गई है 85,920 रुपीज़। DA जिस पे 15.73% है, स्पेशल अलाउंस हो जाता है 28,140। और आप HRA 8, 9, 10% के हिसाब से देख सकते हो। तो मिनिमम जो सैलरी बनेगी स्केल थ्री की स्टार्टिंग 1,36,630 रुपीज़। एंड अगर आप 10% चाह रहे हो CCA के हिसाब से देखो तो हाईएस्ट जो सैलरी बनेगी 1,39,449 रुपीज़। एंड वही अगर आप लास्ट, इसमें सारे बेसिक के हिसाब से कैलकुलेशन है तो यहाँ पे आप ये सारे बेसिक देख सकते हो। अगर लास्ट की बात करें तो जो लास्ट सैलरी होती है 92,110 रुपीज़ बेसिक की जो हो गई है 1,30,640 रुपीज़, जिसका लास्ट अगर आप मैक्स देखोगे 2 लाख को क्रॉस करेगा 2,07,600 रुपीज़, जो कि लास्ट ग्राउंड सैलरी होगी स्केल थ्री की। थैंक यू दोस्तों। और अगर इस पर सैलरी की इंक्रीज़ की बात करें तो जो 70% का हाइक मिला था वो एक्चुअल सैलरी में 15% भी नहीं दिख रहा है। इस बार बहुत गलत तरीके से यूनियन ने और IBA ने मिलकर गेम कर दिया है बैंकर्स के साथ में। थैंक यू दोस्तों।